हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट फाइव। और पार्ट फाइव में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़े थे जो जो स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, इंजेशन डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में, इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन इजेशन, वो सारे स्टेप हमने अमीबा में भी देखे थे। अब हम देखेंगे ह्यूमन्स के अंदर वो कैसे स्टेप होते हैं। तो ये पूरी वीडियो खाली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ही समझाने के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो इसी वीडियो में खाली हम इस चीज़ को ही कवर करेंगे। तो अब कुछ ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में वो हैं, एक तो है माउथ, ठीक है, फिर आता है ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कुछ वो ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज। तो माउथ से लेके एनस तक का जो हमारा पूरा सिस्टम होता है डाइजेस्टिव, वो 9 मीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है, यानी कि इसमें, और सबसे बड़ा पार्ट इसमें जो है वो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि अकेली ही 6 मीटर की होती है। बाकी का जितना भी हिस्सा मिला लो तो वो मिला के बाकी के 3 मीटर बचते हैं। तो अब इसमें हम अलग अलग ऑर्गन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे माउथ को। तो जैसे कि हमने 5 स्टेप पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं पहला स्टेप जो कि है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड का इंटेक करना। तो ह्यूमंस में फूड का इंटेक हम करते हैं माउथ से, हाथों का यूज करके माउथ में हम फूड का इंटेक कर देते। तो ह्यूमंस में ये हो गया पहला स्टेप इंजेशन, जो कि माउथ में होता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है डाइजेशन। और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है। लेकिन डाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और इजेशन को लेंगे। तो इंजेशन हुआ, अब आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन में 3 जगह मेन डाइजेशन होता है। एक होता है माउथ में, माउथ इटसेल्फ में डाइजेशन होता है, उसके बाद होता है स्टमक में, और उसके बाद होता है इंटेस्टाइन में। तो माउथ के अंदर डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग, ये सब हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। तो सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम निकलता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि मैं अभी और आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन एक पहले एक ब्रीफ चार्ट दे रही हूं मैं, कि जो सलाइवरी एमाइलेज से निकलता है वो डाइजेशन करता है, टीथ हेल्प करते हैं, टंग हेल्प करते हैं। तो माउथ में भी, इसलिए कहते हैं चबा चबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि माउथ में भी डाइजेशन होता है। और उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो आप इसमें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे HCL और एक होता है पेप्सिन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से रिलीज होता है। उसके बाद जब फूड पहुंचता है, तो ये तो एक सीक्वेंस होता है, यानी कि माउथ से गया स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में इकट्ठा हुआ और एनस के थ्रू वो बाहर निकल गया। तो जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब भी उसके अंदर डाइजेशन होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है, वो एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ में लिवर के और पैनक्रियाज के जूसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। अब हम एक एक टॉपिक लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं माउथ। तो माउथ के अंदर 2 तरीके के डाइजेशन होता है, एक होता है फिजिकल, और एक फिजिकल ब्रेकडाउन, और एक फिर होता है केमिकल ब्रेकडाउन। तो फिजिकल ब्रेकडाउन में जो हेल्प करते हैं वो करते हैं टीथ। तो टीथ क्या करते हैं, खाने को चर्न एंड च्यू करते हैं। तो हम जब फूड पार्टिकल लेते हैं उसको डायरेक्ट एंगल्फ नहीं करते हैं, हम उसको चबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, माउथ में ही हम उसको चर्न एंड च्यू करते हैं, जिसके लिए हमारे 4 तरीके के अलग अलग दांत दिए गए हैं। और वो 4 तरीके के अलग दांत यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 तरीके के अलग अलग दांत हमारी मदद करते हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल डाइजेशन। टंग क्या काम करता है, सलाइवा को मिक्स करता है उस फूड के साथ। केमिकल डाइजेशन में आता है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में खाली इतना बताना है आपको कि सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर से रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो आपके माउथ के अंदर जो फूड आप खा रहे हैं तो उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट,
तो कार्बोहाइड्रेट का जो पहला डाइजेशन है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने का यानी कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद खाना माउथ कैविटी से या फिर बक्कल कैविटी से इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू ट्रांसफर होकर जाता है स्टमक में, जो कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल एरिया में। ये एब्डोमिनल एरिया होता है और इसके ऊपर का जो एरिया होता है उसको थोरैकिक एरिया कहते हैं। तो एब्डोमिनल एरिया में पहुंच जाता है। तो जो फूड पाइप से जब खाना जाता है, तो ये अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये बक्कल कैविटी है, ठीक है, और यहाँ पे ये फूड पाइप है, ठीक है। तो इस फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कि कुछ ऐसा मूवमेंट होता है ऐसे। तो इसमें जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये इधर प्रेस होगा, फिर ओपन होगा, फिर प्रेस होगा, फिर ओपन होगा। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड सीधे माउथ में जो सलाइवा के साथ मिक्स है वो इधर से सीधा चला जाता है स्टमक की तरफ। अब होता क्या है कि ये फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो हमारे लंग्स में जा रहे होते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो मान लीजिए ये नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी कि हमारी ये नाक, ये नॉस्ट्रिल्स हैं और ये है माउथ। तो ये हो गई नाक और ये हो गया माउथ। तो नाक से जाने वाला विंड पाइप और माउथ से जाने वाला फूड पाइप दोनों ही साथ साथ चलते हैं। और तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक पैलेट होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो वो क्या करता है पैलेट, जब भी हम खाना को एनगल्फ करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ये फूड पाइप है और इसके पास ये विंड पाइप है, तो वह इसको कवर कर देता है, तो खाना इसके थ्रू अंदर चला जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि खाने खाते टाइम खांसी आती है या ठसका सा लगता है और खांसते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि फूड जो है वो गलती से विंड पाइप में चला जाता है, तो वो खांसी आके फूड को बाहर निकालता है। क्योंकि विंड पाइप पे फूड नहीं जाना चाहिए, उतनी स्पेस नहीं है उसको फूड लेने की, और वो जाता भी लंग्स की तरफ है, तो उसका खाली काम ये कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, कभी इधर कभी इधर, तो इधर तब रहता है जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं। तो फूड को एनगल्फ करते हैं तो एपिग्लॉटिस इस साइड आ जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड पाइप से खाना चला जाता है स्टमक में। ये हुआ माउथ और ओसोफेगस का काम, यानी कि फूड पाइप का काम। अब नेक्स्ट आते हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो नाम है इसको याद रखिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे लिखने के लिए, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आगे अब हम बढ़ते हैं स्टमक में क्या होता है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि स्टमक में किस तरीके का डाइजेशन होता है। तो माउथ से खाना गया स्टमक में, तो ये रही बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, और यहाँ से फूड या माउथ कैविटी, यहाँ पे फूड को चर्न एंड च्यू करके सलाइवा के साथ मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करके फूड पाइप के थ्रू, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गेन होता है। स्टमक के अंदर जो बनता है वो स्टमक के अंदर जो होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बनाता है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो और इस गैस्ट्रिक जूस में जो है तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन और एक होता है म्यूकस। तो ये तीन चीजों को मिला के गैस्ट्रिक जूस बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है स्टमक के अंदर वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, करीब वो पीएच 3 होता है। तो इतने एसिडिक एनवायरमेंट का कुछ तो रोल होगा स्टमक में। तो इसके दो रोल होते हैं। पहला रोल तो ये होता है कि जब ऐसा एसिडिक एनवायरमेंट मिलता है तभी पेप्सिन एक्टिवेट होता है, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, लेकिन स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और प्रोटीन का डाइजेशन कब होता है, जब ये पेप्सिन एक्टिवेट होता है। और पेप्सिन कब एक्टिवेट होता है, जब उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, वो ये HCl प्रोवाइड करता है। तो HCl का पहला रोल तो यही है कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा रोल HCl का जो ये है कि किल्स बैक्टीरिया, खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है।
पेप्सिन का काम ये होता है कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और म्यूकस का रोल ये होता है कि ये स्टमक की खुद की लाइनिंग जो होती है उसको बचाता है अपने ही HCl से, क्योंकि HCl का pH होता है 3 जो कि हाईली एसिडिक होता है। तो इतने एसिडिक pH में तो जो स्टमक के सेल्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं, इरोड हो सकते हैं और बर्न हो सकते हैं। तो इसीलिए एक म्यूकस की लेयर इसके ऊपर आ जाती है, तो जिससे कि पेट का जो खुद का एसिड होता है वो इसको, पेट के जो सेल्स हैं उसको खराब नहीं होने देता। तो इनमें तीन चीजें और तीनों के रोल मैंने समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो जैसे कि अभी हम जो इसमें समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं तीन तरीके का डाइजेशन। तो पहला है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं उसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। मिनरल्स एंड विटामिन भी होते हैं लेकिन वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेन जिनको तोड़ना होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उससे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो माउथ के अंदर जो हमने समझा था वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था, स्टमक के अंदर जो हमने समझा था वो प्रोटीन का डाइजेशन था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हम समझेंगे वो तीनों का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, तीनों का डाइजेशन हम इसमें समझेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हुआ वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोडक्ट पे आता है। स्टमक में भी प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि उसको एंड प्रोडक्ट बना देता है। उसके बाद फैट का तो पूरा ही डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। तो अब हम इसी को समझेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस, और साथ ही लिवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके एक्ट करते हैं। जैसे कि अब आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये है माउथ यानी कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, यहाँ से ओसोफेगस से या फिर फूड पाइप से खाना जाता है, स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है जिसमें HCl अपना रोल प्ले करता है, पेप्सिन अपना रोल प्ले करता है, म्यूकस अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद वो फूड जो है जाता है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी बॉडी का सबसे, मतलब पूरा जो 9 मीटर का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से 6.5 मीटर का तो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पर क्योंकि ये नैरो होता है यानी कि ये बहुत पतला होता है और कॉइल्ड होता है और कंप्रेस्ड होता है, इसलिए 6 मीटर इतने में समा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम और फिर एनस से कनेक्टेड होता है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने खुद के भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। उसके बाद बाइल जूस जो आता है वो लिवर से आता है। तो स्टमक के इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है लिवर, ये है लिवर, और लिवर बनाता है बाइल जूस, लिवर बनाता है बाइल जूस जो कि येलो कलर का होता है। और लिवर जब बाइल जूस बनाता है तो उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। तो गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो गॉल ब्लैडर से, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो इसका कनेक्शन है यहाँ पे पेनक्रियास और इसका दोनों का कनेक्शन है जो कि सीधा इंटेस्टाइन पे जाके मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके मिलता है, ये पेनक्रियास का भी और इसका भी, दोनों का कनेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलता है। तो पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है जो कि स्टमक के ठीक नीचे पैरेलल होता है, और लीवर जो होता है वो स्टमक के इस साइड होता है। तो लीवर में इसे कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है जो कि जब जरूरत पड़ती है डाइजेशन में तो वो गॉल ब्लैडर से ट्रांसफर होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाता है। वहीं जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास के अंदर होता है पेनक्रियाटिक जूस, और जो कि जब डाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो वो पेनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। अब हम एक एक करके रोल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाइल जूस का रोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेनक्रियाटिक जूस का रोल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंटेस्टाइनल जूस का रोल पढ़ेंगे। तो लिवर और पेनक्रियास का रोल समझेंगे। सबसे पहले लिवर में सीक्रेट होता है बाइल जूस। बाइल जूस के दो काम होते हैं मेन। पहला काम ये होता है कि खाना जो कि स्टमक में था, तो स्टमक में HCl की वजह से वो खाना हो गया एसिडिक। जब तक पेट का एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन एक्ट नहीं करेगा, इसीलिए HCl से पेट का एनवायरनमेंट एसिडिक होना जरूरी होता है। लेकिन जब खाना
स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहां पे जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको रोल करने के लिए, अपना उसको अपना काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है एल्कलाइन, यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में था उसको बेसिक करने में जो हेल्प करता है वो करता है बाइल जूस, और बाइल जूस जब उसको बेसिक कर देता है तब फिर जो है पेनक्रियाटिक जूस अपना काम शो कर सकता है। पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा काम ये होता है कि बाइल जूस जो होता है वो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कम तोड़ता है। तो अभी तक आपने आगे इन दोनों में कहीं नहीं देखा था कि फैट का डाइजेशन भी होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि तीनों का डाइजेशन होता है तो फैट का यहीं शुरू हो जाता है कि लिवर के जो बाइल जूस होते हैं वो सबसे पहले फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद रोल आता है पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज में होते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस तीन तरीके के एंजाइम होते हैं इसके अंदर, पहला एंजाइम होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। तो होता क्या है कि जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को तोड़ता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है और उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आता है। लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ता है, यानी कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो जब तक फैट एमल्सिफाई नहीं होगा, यानी कि वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में फैट नहीं टूटेगा, तब तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते फैट को। फैट आपको किससे मिलता है? आप बटर से फैट मिलता है, घी से फैट मिलता है, तो ऐसे कई ऑयली ऑयल से आपको फैट मिलता है। तो उसको तोड़ने के लिए लिवर का रोल सबसे पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद पैनक्रियाज का रोल। अब आप सोचेंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन ऑलरेडी यहाँ हो चुका है तो फिर यहाँ क्या रोल है? मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। एक लंबी चेन है कार्बोहाइड्रेट, उसको एक पार्ट में तोड़ा जाता है, फिर दूसरे पार्ट में तोड़ा जाता है, उसके बाद वो सबसे छोटे पार्ट में आता है। तो यहाँ पे जो टूटता है ना वो उसका एक पार्ट टूटता है, फिर उसके बाद जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तब उसका और पार्ट टूटता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाज होते हैं वो उसको और तोड़ते हैं, और फिर जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो उसको सबसे एंड में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो उसका सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। इसी तरीके से प्रोटीन जैसे इतना बड़ा है तो पेट में स्टमक में पहले वो इतना ही टूटेगा, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो उसको और तोड़ता है, लेकिन जो इंटेस्टाइनल जूस है वो उसको फाइनल फिनिशिंग देके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो अब हम तीसरा जो इसमें देखेंगे वो देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है। तो लिवर और पेनक्रियाज के रोल समझने के बाद हम समझेंगे इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है। इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन खुद इट्सेल्फ अपने आप ही रिलीज करता है, क्योंकि जैसे लिवर से बाइल जूस निकलता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। तो आपने इससे पहले देखा कि लिवर एक अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद जो है पेनक्रियाज अपना एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो फाइनल टचअप होता है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज अब एक एब्जॉर्बेबल पार्ट है, कि यानी कि ये अब विलाय के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं विलाय, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल में अब जा सकता है, नहीं तो इससे पहले तक वो जा नहीं सकता था क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा था। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड, और फैट का फाइनल प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये रहा कंप्लीट डाइजेशन। अब इसके आगे जो आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंपेरेटिव टू जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनसे बड़ा क्यों, मतलब उनसे ज़्यादा लंबा क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें आपको पसंद आई तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।